Hi everyone, my name is Miraz and you are watching Digital Shikshak. I know पिछले तीन हफ्तों से videos upload नहीं हुई हैं because of very hectic schedule of mine. But अब I am on my regular schedule, तो अब आप expect कर सकते हो जो भी regular timing पे videos आती थी पहले, अब फिर से वो regular हो जाएंगी. आज इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूँ. One of the most important topic of Revit, जिसको हम filters बोलते हैं. नॉर्मल सेलेक्शन फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रूल बेस्ड फिल्टर की बात कर रहा हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जब भी आप रेविट सीखते हो या फिर कहीं ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहे हो उसके लिए, जिसमें हम क्वालिटी चेकिंग करते हैं, और या फिर आप किसी भी ऑफिस में अगर एक टूल टेस्ट देने जा रहे हो या इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ में ये समझेंगे कि फिल्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है. But before that, I would like to request you to kindly subscribe this channel and hit the bell icon for further more informative videos. So without wasting your time, let's get started. तो अभी हम Revit के environment में आ गए हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि filters की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Filters का नाम जैसे ही बोल रहा है, filter करना. मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10 अलग अलग categories के Revit elements पड़े हुए हैं, तो आपको अगर filter करना है कि आपको सिर्फ एक category की चीज़ें मिलें, या फिर आपको सिर्फ ऐसा filter बनाना है जिससे हाईलाइट हो जाए कि ये 10 में से जो मुझे चाहिए ये दो हैं, राइट? तो फिल्टर्स बनाते क्यों हैं? एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं. कई बार जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो भी एक्सटीरियर वॉल हो, जो भी बाहर वॉल बनी हुई होती हैं, उनका फंक्शन क्या हो? एक्सटीरियर हो. जो भी अंदर वाली वॉल होती हैं, जो भी इंटीरियर वॉल्स होती हैं, उनका फंक्शन क्या हो? इंटीरियर हो. मैं आपको बताता हूँ, वॉल्स जब भी हम क्रिएट करते हैं रेविट के अंदर में, तो उसके अंदर में एक ऑप्शन होता है. जैसे यहाँ पे मैं एक वॉल क्रिएट कर रहा हूँ. अब मैं ये वॉल यहाँ पे देखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके एडिट टाइप पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फंक्शन लिखा हुआ है एक्सटीरियर. तो कई बार क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, जब भी एक्सटीरियर वॉल हो तो उसका फंक्शन एक्सटीरियर हो, जब भी इंटीरियर वॉल हो तो उसका फंक्शन इंटीरियर होना चाहिए. तो ये किस में आता है? ये पूरा क्वालिटी चेकिंग में आता है. तो जब भी पूरा मॉडल बन जाता है तो उसके बाद में हमें एट अ इंस्टेंस चेक करना रहता है कि ये इंटीरियर वॉल है नहीं है, एक्सटीरियर वॉल है नहीं है, राइट? तो उसके करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी मान के चलो हमारे पास जब छोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो हम सिंपली वॉल को सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके चेक कर सकते हैं, राइट? बट अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो हमारे पास में कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हमको देखते ही समझ में आ जाए कि ये एक्सटीरियर वॉल है या इंटीरियर वॉल है, राइट? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम फिल्टर्स बनाते हैं. अभी तो हम समझ गए कि फिल्टर्स क्यों बनाते हैं, अभी समझ लेते हैं कि फिल्टर्स कैसे बनाते हैं. ये सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे फिल्टर्स यूज करते हैं, बट आप दूसरे प्रॉब्लम्स में भी फिल्टर्स का यूज कर सकते हो, राइट? तो अब सीख लेते हैं कि फिल्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, कि वॉल्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाए ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, बाई जस्ट लुकिंग ऑन द मॉडल, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वॉल टाइप बना लेता हूँ. मैं सिंपली डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ एक्सटीरियर, एंड इसको 200 mm ही रहने देता हूँ अभी के लिए. ओके करिया. फिर उसके बाद से एक और बना लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको इंटीरियर बना देता हूँ. ओके. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स है तो उसका फंक्शन क्या होना चाहिए? इंटीरियर होना चाहिए. तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीरियर कर दिया. ओके किया. अब क्या होता है कि मैं जब भी वॉल बना रहा हूँ, जब भी मैं पूरा मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं एक पूरा मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको एक तरीका समझा रहा हूँ. ये जो भी वॉल मैंने बनाई है ये क्या होनी चाहिए? एक्सटीरियर वॉल होनी चाहिए. मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सबको और यहाँ पे जाके मैं इसको एक्सटीरियर वॉल कर देता हूँ, राइट? अब मुझे क्या चाहिए, अंदर की जो भी वॉल हैं उनको मैं इंटीरियर्स बनाऊँगा. कैसे बनाऊँगा? वॉल लिया, अब यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स, मैं कुछ भी वॉल सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, राइट? अभी क्या हुआ कि मान के चलो किसी भी टीम मेंबर ने बाहर में भी इंटीरियर वॉल्स यूज कर दिए, अभी मैं 3D में जाता हूँ, अभी मैं 3D में आ गया, तो यहां से मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये एक इंटीरियर वॉल है कि एक्सटीरियर वॉल है, बिकॉज दोनों की एक जो थिकनेस है वो 200 mm है. देखने से सिर्फ ऐसे समझ में आ रहा है. बाय द वे, मैं क्लिक करूंगा और फिर इसके एडिट टाइप में जाऊंगा तो फिर मैं यहां देख सकता हूं कि इंटीरियर का एक्सटीरियर है, राइट? बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए. जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं तो हमें हम हर एक एलिमेंट को जाके क्लिक करके उसके एडिट टाइप में जाके नहीं चेक कर सकते, राइट? क्योंकि टाइम की कमी होती है और प्रोजेक्ट बड़ा होता है. तो इस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम एक फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं. कैसे फिल्टर क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स VV प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड, एडिट पे क्लिक किया. फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे फिल्टर्स दिया हुआ है.
फिल्टर्स पे क्लिक करो। यहाँ पे अभी कोई भी फिल्टर्स नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिल्टर्स हैव बीन अप्लाइड। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर हमें नया बनाना है तो यहाँ पे एडिट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें नया बनाना है, राइट। तो नया बनाना है अब फिल्टर तो क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से इसको हम दे देते हैं इंटीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल्स का एक हम फिल्टर बना लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वॉल्स को हमको सेलेक्ट करना, राइट। तो यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे, अब डब्लू से वॉल आता है वॉल। फिर कैटेगरी चूज करने के बाद में अब यहाँ पे हम रूल सेट करेंगे कि क्या पर्टिकुलर रूल होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स के हिसाब से ये पूरा फिल्टर्स काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए, जो हमारा पैरामीटर क्या था, फंक्शन, राइट, वॉल के अंदर में जो एंड टाइप में फंक्शन पैरामीटर था। तो यहाँ से फंक्शन पे जाएंगे, एफ से फंक्शन, एंड फिर यहाँ से हम ड्रॉप डाउन करेंगे कि फंक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला, एक रूल बना रहे हैं, तो इक्वल्स, और यहाँ पे हम दे देंगे कि हमारा इंटीरियर वॉल्स के लिए हमने फिल्टर बना रहे हैं तो इंटीरियर होना चाहिए उसका फंक्शन, राइट। तो हमने क्या किया, एक हमने फिल्टर बना लिया, दिस इज डन, अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद में एक और फिल्टर बना लेते हैं, अब हम बनाएंगे एक्सटीरियर वॉल के लिए। तो न्यू पे क्लिक किया, एक्सटीरियर वॉल्स, ओके, सिमिलरली जैसे हमने किया था वॉल्स, कैटेगरी चूज कर लिया और यहाँ पे हम एक रूल बना देंगे कि वो रूल क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, देयर इज फंक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पे इक्वल्स, और यहाँ पे इस टाइम हम चूज करेंगे एक्सटीरियर वॉल्स, तो एक्सटीरियर फंक्शन जो होगा वो एक्सटीरियर होगा। अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे। अभी देखो हमारे पास में हमने फिल्टर्स बना दिए हैं, बट यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर व्यू पे वो फिल्टर नहीं लगाया हुआ है। तो लगाने के लिए क्या करने पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो अभी हमें लगाना है तो ऐड करेंगे, और ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सटीरियर वॉल्स और कंट्रोल प्रेस करके इंटीरियर वॉल्स, ओके किया। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास में इंटीरियर वॉल्स और एक्सटीरियर वॉल्स आ गए, राइट। अभी मैं यहाँ आता हूँ, अभी देखो यहाँ पे विजिबिलिटी दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर ये इंटीरियर वॉल्स एक्सटीरियर वॉल्स का अगर आपने जो रूल लगाया हुआ है, जो फिल्टर लगाया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि वो विजिबल हो वो सारे एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे विजिबिलिटी को टर्न ऑन रखोगे। अगर आप नहीं चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता हूँ कि इंटीरियर वॉल्स दिखे, तो मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया विजिबिलिटी। अप्लाई करूंगा तो इंटीरियर वॉल्स चले जाएंगे, देखो गए अंदर के इंटीरियर वॉल्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स चाहिए, एक्सटीरियर वॉल्स नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और अप्लाई करूंगा तो सारे एक्सटीरियर वॉल्स चले जाएंगे, इंटीरियर वॉल्स रह जाएगा। समझ में आया, अभी मुझे दोनों चाहिए, राइट। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप उसको विजिबिलिटी के हिसाब से अगर टर्न ऑन और ऑफ करके चेक कर सकते हो कि क्या इंटीरियर है क्या एक्सटीरियर है। बट अगर एक बल्क में आपको चाहिए तो आप कलर भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे कट पैटर्न चूज कर सकता हूँ, जैसे मैं कट पैटर्न पे जाऊँगा और यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ, सॉलिड फिल ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ एक्सटीरियर वॉल्स को मैं रेड थोड़ा कर देता हूँ, और ओके, एंड इंटीरियर वॉल्स को मैं कर देता हूँ अराउंड, लेट्स से कोई कलर चूज करते हैं अभी, लेट्स डू दिस, ओके, काइंड ऑफ पर्पल। अभी क्या है कि आपको इसके बारे में डिफरेंस नहीं मालूम है तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवर राइट पे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि कट पैटर्न क्या होता है, कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आप कट कर देते हो तो उसका जो सेक्शन दिखता है, कट सेक्शन दिखता है, उसमें जो भी कलर आएगा वो ये पैटर्न अब उस पर अप्लाई हुआ। अगर आपको चाहिए कि पूरे वॉल पे वो दिखे तो आप ये यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्शन और सरफेस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पैटर्न चूज़ करता हूँ और इंटीरियर वॉल्स को भी मैं एक सॉलिड फिल दे देता हूँ, और कलर हमने चूज़ किया था अराउंड ये चूज़ किया, ओके। सिमिलरली एक्सटीरियर वॉल्स को भी दे देता हूँ मैं एक सॉलिड फिल और रेड काइंड ऑफ कलर दे देता हूँ, ओके। अब अप्लाई जैसे ही करूंगा तो आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी वॉल बनाऊंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है बाय जस्ट लुकिंग इन द मॉडल। समझ में आ रहा है, तो क्वालिटी चेकिंग जब भी करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हमें हर एक एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सिर्फ हमको मॉडल में देखना है और हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो भी काम किया हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं 3D में ही आपको और वॉल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी एक वॉल बना रहा हूँ, अभी मैं इंटीरियर वॉल्स दोबारा मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऐसा करके। तो अभी मुझे क्या लग रहा है, देखो ये गलती है, राइट। तो मेरा ये सारे वॉल्स कौन से होने चाहिए, बाहर के सारे एक्सटीरियर होने चाहिए। तो मैं सिंपली 3D में ही ऐसे सेलेक्ट करके मैं इसको इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर बना दूंगा। तो देखो अभी मुझे कलर चेंज दिख गया, राइट। सिमिलरली मैं इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर। बट अभी तो मैंने आपको बता दिया कि फिल्टर्स बनाते कैसे हैं, उसको यूज़ क्यों करते हैं और
कैसे करते हैं, राइट। बट अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके फिर फिल्टर्स में जाके ये सारी चीज़ें लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्लान में चाहिए तो फ्लोर प्लान पे जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए वही सेम चीज़ तो आप क्या करोगे, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाओगे, वीवी प्रेस करके फिल्टर्स में जाओगे, अप्लाई करोगे। अगर इतना आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप एक व्यू टेम्पलेट बना लो, राइट। व्यू टेम्पलेट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में आपको सिंपल एक जस्ट क्विक व्यू टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक फिल्टर बना के रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मुझे एक व्यू टेम्पलेट चाहिए बाई यूजिंग सिमिलर विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे व्यू टेम्पलेट दिया उस पर क्लिक करके क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, तो जो भी सेटिंग्स अभी इस करंट व्यू में बनी हुई है वही से यूज करके वो एक व्यू टेम्पलेट बना देगा। क्लिक करो इस पर और यहाँ पे दे दो इंटीरियर एक्सटीरियर इंट एक्सट, मैंने इसको एक नाम दे दिया, ओके। तो ये क्या किया, एक हमें एक व्यू टेम्पलेट बना के दे देगा। अब मैंने इंट एक्सट कर दिया, अब उसके बाद से सारी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। अभी मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैंने क्या किया है, एक व्यू टेम्पलेट बना दिया। अभी मुझे लेवल वन पे जाना है और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जो भी काम मैंने सही किया है कि नहीं किया हुआ है। अगर फ्लोर प्लान में चेक करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और यहाँ पे व्यू टेम्पलेट दिया है उस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने 3D वाला व्यू टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ राइट वे, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि व्यू टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। 3D व्यू और यहाँ पे मैंने बनाया था इन टेक्स्ट, यहाँ पे करके मैं आप जैसे ही अप्लाई करूँगा आपको चेंजेस दिखेंगे, राइट। तो जो भी आपका एक्सटीरियर वॉल है वो रेड कलर में दिख रहा है, आप यहाँ से सिंपली फ्लोर प्लान में भी वो चीज़ें चेक कर सकते हो। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे एक फिल्टर बनाते हैं, फिल्टर होता क्या है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। फ्यूचर में और भी वीडियोज़ आएंगे जिसपे मैं व्यू टेम्पलेट के बारे में बात करूँगा, विजिबिलिटी ग्राफिक्स बनाना सिखाऊंगा आपको, उसमें सेटिंग्स के बारे में पूरा बताऊंगा आपको, और भी सारी वीडियोस हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड और पूरा बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का, जो हम BEP बनाते हैं जिसको बिम एग्जीक्यूशन प्लान बोलते हैं, उस पर भी वीडियोज़ आने वाली हैं। होपफुली नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों पर आएंगी। तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्टेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग फिजिटल शिक्षा। थैंक यू।